बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत में होंगे और कोरोना की वजह से घरों में सेफ और साउंड होंगे। मेरी आप सबको एडवाइस है, घर में रहें, एहतियात करें, बाहर जाने में एहतियात करें और सेफ रहें। तो इंशाल्लाह जो अब हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके मुताबिक 1960 में पेरिस में साइंटिस्ट ने अपनी वो कॉन्फ्रेंस थी, जो उनकी जनरल कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर उन्होंने अपना एक सिस्टम बना दिया जिसके मुताबिक पूरी वर्ल्ड में उन्होंने एक ही सिस्टम राज कर दिया, जिसके मुताबिक एक क्वांटिटी का एक ही यूनिट उन्होंने बना दिया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम one quantity has only one unit across the world. Before this, one quantity have different units and there were different units in different countries. तो इसकी वजह से different units होने की वजह से research करने में बड़ी problem आती थी और ये बड़े मसाइल पैदा होते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हर quantity का एक ही unit बना दिया 1960 में General Conference में पेरिस के अंदर। तो इसके मुताबिक सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक 7 बेस यूनिट उन्होंने बनाए, 7 क्वांटिटी के 7 बेस यूनिट बनाए। तो मैं टेबल से आपको बनाकर बताता हूं, दिखाता हूं कि कैसे उन्होंने 7 यूनिट बनाए। जो पहले मैं लिखता हूं क्वांटिटी, फिर हर क्वांटिटी का एक माई ड्यूर सुनो उसका एक सिंबल होता है, तो उसका सिंबल भी लिखते हैं सिंबल, और फिर माई डियर स्टूडेंट उसका यूनिट होगा, यूनिट उसका नाम, नेम ऑफ यूनिट, फिर उसका भी एक सिंबल होता है सिंबल। तो इस सिस्टम के मुताबिक उन्होंने 7 क्वांटिटी के 7 यूनिट्स लिए जिनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। ये एज इट इज होते हैं, ये जो बेस यूनिट्स होते हैं ये बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर अदर यूनिट्स, फॉर डिराइव्ड यूनिट्स। तो इसके मुताबिक जो क्वांटिटी फर्स्ट लेट अस सपोज वो लेंथ, अगर हम लेंथ लें तो इसके मुताबिक जो इसकी सिंबल लेंथ की जो हम यूज करते हैं एल यूज करते हैं स्मॉल एम, और इसका यूनिट जो हम यूज करते थे उन्होंने जो यूनिट इसका बनाया वो मीटर था, ठीक है। तो मीटर की जो सिंबल है वो माय डियर स्टूडेंट एम है। इसके बाद जो दूसरा था वो था मैस, स्मॉल एम, मैस एम से इसको इसकी सिंबल होती है, और मैस का यूनिट उन्होंने जो बनाया वो किलोग्राम, और उसकी जो सिंबल है वो केजी। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट एक जो बेस यूनिट था वो था अपना टाइम कह रहे हैं आप, ठीक है, टाइम क्वांटिटी टाइम है। इसके लिए जो टाइम के लिए सिंबल यूज होती है वो स्मॉल टी, ठीक है जी, और उसके मुताबिक इसका यूनिट सेकंड है, सेकंड, और इसके लिए स्मॉल एम यूज होती है इसकी सिंबल। इसके बाद है जो नेक्स्ट क्वांटिटी वो टेम्परेचर, माय डियर सुनो वो टेम्परेचर क्वांटिटी थी। इसका जो यूनिट टेम्परेचर की जो सिंबल होती है ये कैपिटल टी होता है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टाइम के लिए जो क्वांटिटी यूज सिंबल यूज होती है वो स्मॉल टी यूज होगी, और टेम्परेचर के लिए वो कैपिटल टी यूज होगी। तो इसके मुताबिक जो इसका यूनिट टेम्परेचर का उन्होंने बेस यूनिट बनाया था वो केल्विन था, केल्विन, और उसकी सिंबल के होती है। इसके बाद उन्होंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी सिंबल जो एन है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो मोल, और इसकी सिंबल एम ओ एल। इसके बाद नंबर 6 है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट होता है वो सिंबल कैपिटल एल होती है, ठीक है जी, और इसका यूनिट जो होता है वो कैंडीला या सीडी भी यूज होता है, ठीक है।
और लास्ट वन जो इसकी बेस क्वालिटी है वो है करंट। करंट करंट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो आई, कैपिटल आई, और इसकी जो यूनिट का नेम होता है वो एम्पेयर होता है, एम्पेयर फॉर बेस, और यस कैपिटल ए। तो दीज वर सेवन यूनिट्स एंड सेवन क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल। देयर आर सेवन बेस यूनिट, दे फार्मूलेट सेवन बेस यूनिट अक्रॉस द वर्ल्ड। हर कंट्री में इसका लेंथ का यूनिट जो उन्होंने इंटरनेशनल बना दिया वो मीटर ही होगा। वैसे तो इससे कम मिली ग्राम भी होता है, मीटर का यूनिट, किलोमीटर भी होता है और सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन जो एसआई यूनिट है जो हम यूज करेंगे आप पूरी बुक में, जो आप जितने भी यूनिट होंगे एसआई यूनिट्स होंगे, तो उसके मुताबिक ये मीटर होगा। नंबर टू मैस है, इसकी सिंबल जो है स्मॉल एम है, और किलोग्राम और केजी, इस तरह ये सेवन यूनिट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम उन्होंने सेवन यूनिट्स बना दिए। तो उसके बाद एक और उन्होंने जो काम किया, ये बेस यूनिट थे सारे, बेस यूनिट। तो इसके बाद उन्होंने इतने भी बेस यूनिट हैं, इनसे मिलकर दूसरे सारे यूनिट बनते हैं, बाकी तमाम यूनिट डिराइव्ड यूनिट हम कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट वो बहुत सारे होते हैं, डिराइव्ड यूनिट। यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वांटिटी स्पीड लें, सपोज स्पीड हमारे पास एक क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्पीड का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ स्पीड होता है मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए स्मॉल एम और सेकंड के लिए एस, या इसको हम लिख देंगे एम एस माइनस वन। तो जितने भी यूनिट हैं सेवन के अलावा, सेवन बेस यूनिट है, बाकी हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट से मिलकर बनते हैं, और उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। इस तरह एक्सेलरेशन और क्वांटिटी अगर हम ले लें, एक्सेलरेशन इसका यूनिट फॉर्मूला होता है वी ओवर टी, वी स्पीड ओवर टी, ये वेलोसिटी ओवर टी। तो जो वेलोसिटी मिलकर बनती है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट भी सेकंड है, तो एक्सेलरेशन का बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी डिराइव्ड यूनिट है, मीटर, मीटर जो है कौन सा बेस है, सेकंड जो है वो बेस है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट जो मिलकर बना है वो किससे मिलकर बना है, बेस यूनिट से मिलकर बना है। तो इस तरह ये डिराइव्ड यूनिट्स और बेस यूनिट्स, ये सिस्टम इंटरनेशनल में उन्होंने सेवन बेस यूनिट बना दिए, ताकि इंटरनेशनली रिसर्च हो सके, उसमें आसानी हो सके, कोई कन्फ्यूजन ना हो मेजरमेंट करने में। तो इसी से मिलकर डिराइव्ड यूनिट बनते हैं, देयर आर नंबर ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स वी कैन डिराइव फ्रॉम बेस यूनिट्स। तो ये माय डियर स्टूडेंट ये आज का टॉपिक है, इसके बारे में कोई मसला हो या आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे SMS कर दें, इनबॉक्स में कर दें। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरा टॉपिक लेक्चर पसंद आएगा। तो सब स्टूडेंट्स को देख लें, मेरी वीडियो को वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया।